थ्री बेडरूम हाउस प्लान डिजाइन, ईस्ट फेसिंग पूर्व मुखी का हाउस प्लान डिजाइन। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हाउस डिजाइन। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम इसका जो वॉल और इसका जो डायग्राम है इसको हम 3D में पहले कन्वर्ट किया है, उसके बाद हम इसके अंदर डिटेल्स भर देंगे। तो आपको डिटेल्स का इसके अंदर से पता चल जाएगा क्या है इसके डिजाइन। तो इसमें देखिए हमने एक ओपन एरिया पार्किंग एरिया भी फॉन्ट में ऐड किया है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका डिजाइन। तो यहाँ पर रहेगा 4 फीट बाई 7 फीट हाइट। ओके, यहाँ पर रहेगा 7 फीट बाई 4 फीट। तो इसके बाद मेन जो गेट इधर से हम स्टार्ट करेंगे, फ्रंट एलिवेशन की तरफ आपको इसे दिखाई देगा। तो चलिए हम उसके बाद यहाँ पर हम 1 फीट 6 इंच हाइट में GL to PL का जो लाइन है यहाँ पर हम सेट करेंगे। उसके बाद बाकी डिटेल्स देखिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐसे हम रखेंगे इधर। ओके, नेक्स्ट हमें ऐड करना है इसका डोर। इधर से जो रहेगा इसका डोर इधर देखिए 7 फीट बाई 3 फीट। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डोर 7 फीट बाई 3 फीट। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक डोर ऐड करेंगे। तो इधर रहेगा हमारा पूजा रूम, ईस्ट फेसिंग का हाउस प्लान डिजाइन, ईस्ट फेसिंग। तो पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान डिजाइन। तो इसमें इसके अंदर हमने ईस्ट फेसिंग में जैसे हमें ड्राइंग करना है हम ऐसे ही किया है, जो एज पर वास्तु के हिसाब से होता है उसके हिसाब से हमने बनाया है। आपको अगर इससे भी वास्तु यहाँ पर कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है वास्तु के हिसाब से, तो आप ड्राइंग के अंदर आपके हिसाब से मॉडिफाई या इसका जो मॉडिफाई करके जो मेन डिजाइन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 7 फीट बाई 2 फीट 6 इंच का ऐसे एक डोर यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे हमें मिलेगा। तो चलिए हम ऐसे करके यहाँ पर जो डिजाइन है इसको हमने रेडी कर दिया है। उसके बाद हम जाएंगे इसका डिटेल्स जो कितना है, 2 फीट 4 इंच यहाँ पर हाइट पर रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एज पर वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग पूर्व मुखी का हाउस डिजाइन। तो यहाँ पर हमें जो लाइन है इसको रखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे यहाँ पर ऐसे GL to PL जैसा है ऐसे हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर विंडो ऐड करेंगे जो रहेगा 7 फीट हाइट और यहाँ पर 4 फीट 6 इंच डेप्थ। तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें ऐसे विंडो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इसी साइड पर भी सेम ही ऐड करेंगे। तो जस्ट प्रोपोजल ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पर हमने डिजाइन किया है। तो यहाँ पर भी हमने एज पर वास्तु यूज किया है। तो जैसे जहाँ पर कुछ रखना है तो हम ऐसे ही यहाँ पर डिजाइन के अंदर ऐड किया है। आप एक बार देख के इसको सेटिंग कर सकते हैं। आपको अगर अगर कुछ पोजीशन चेंज और ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम डाउन करेंगे 4 फीट 6 इंच डेप्थ में और यहाँ पर हमें करना है विंडो गैप। नेक्स्ट यहाँ पर एक विंडो, नेक्स्ट यहाँ पर एक विंडो। हम बैक साइड में कोई विंडो अभी तक ऐड नहीं किया है, जस्ट हम 3 साइड में विंडो ऐड किया है। फ्रंट साइड में हम चाहे तो एक विंडो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, तो उसको हम बाद में करेंगे, पहले जो रेफरेंस लाइन है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें जो फॉन्ट का विंडो चाहिए इसको हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए और भी विंडो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं जो रहेगा इधर इसी साइट पर। तो हमें जहाँ पर ओपन पार्किंग मिल रहा है या पोर्च मिल रहा है उसी जगह पर हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको डिलीट करेंगे रेफरेंस लाइन, बहुत ज़्यादा रेफरेंस लाइन है यहाँ पर, ऐसे डिजाइन आएगा। तो देखिए इसमें जो है फॉन्ट में अगर हम ईस्ट फेसिंग में रखेंगे तो क्या क्या चेंज हो सकता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पर हमने जो डिजाइन है इसका जो 4 साइड है यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में हमें पूजा रूम चाहिए यहाँ पर हमने ऐड किया है, साउथ ईस्ट में किचन चाहिए यहाँ पर हमने ऐड किया है, साउथ वेस्ट में हमें बेडरूम चाहिए और नॉर्थ वेस्ट में हमें यहाँ पर भी बेडरूम हम ऐड कर सकते हैं या गेस्ट रूम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम
गेस्ट रूम ऐड कर सकते हैं, तो यहीं पर ही रहेगा डिजाइन। यहाँ पर से हम एंट्री भी कर सकते हैं, एज पर वास्तु के हिसाब से यहाँ पर हमें स्टेयर हम ऐड कर सकते हैं, और इधर जो है हमें इधर भी एक जगह ओपन स्पेस हम ऐड कर सकते हैं। तो टॉयलेट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, टॉयलेट एंड सेफ्टी टैंक एरिया। तो इधर हम बात लैट्रिन टॉयलेट सब कुछ रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए हम उसके बाद आपको डिटेल्स ऐड करते हैं, शो करते हैं इसमें कितना मेजरमेंट है, कितना डिजाइन है, कितना मेजरमेंट रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इधर रहेगा हमारा डिजाइन, देखिए यहाँ पर बेड, बेड यहाँ पर, बेड किचन यहाँ पर, ड्राइंग डाइनिंग यहाँ पर, स्टेयर यहाँ पर, पोर्च एरिया, गेट एंड पूजा रूम जो हमने इस डिजाइन के अंदर दिखाया है, इसका ही 3D यहाँ पर है और यहाँ पर है 2D, ठीक है। यहाँ पर हमें 2D ड्राइंग दिखाई दे रहा है, तो हम इसका मेजरमेंट अभी शो करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या क्या है और इसका मेजरमेंट कितना है। तो क्या क्या है ये आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो डायरेक्शन है वो भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मेजरमेंट जो ऐड कर रहे हो अभी, तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिखाई दे रहा है 4 फीट 6, यहाँ पर देखिए 7 फीट 7, यहाँ पर जो एरिया है 9 फीट 4 बाई, यहाँ पर 15 फीट 10, यहाँ पर स्टेयर के लिए जो जगह हमने ऐड किया है, यहाँ पर स्टेयर का जो लैंडिंग है इसका भी मेजरमेंट आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर 9 फीट 4 इंच। यहाँ पर जो किचन एरिया है देखिए 13 बाई 8 फीट, उसमें से इतना स्लैब आएगा। उसके बाद यहाँ पर और एक बेडरूम जिसका मेजरमेंट है 11 बाई 13। यहाँ पर पार्किंग एरिया है या पोर्च एरिया, यहाँ पर हमने ऐड किया है पोर्च एरिया, तो पोर्च एरिया कितना है यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके बाद देखिए पूजा रूम, यहाँ पर पूजा काम, यहाँ पर जो गॉड रूम है यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो देखिए वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर पार्किंग एरिया है। वास्तु के हिसाब से आप देखेंगे तो इसको हमने सही करने का कोशिश किया है, आपको अगर इसको चेंज करके कुछ और करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसका जो टोटल स्क्वायर फीट कितना है यहाँ पर हमने दिखाया है 980 स्क्वायर फीट का हाउस डिजाइन है, और 3D में हमने सेम ही दिखाया है, 3D और एक बार आप देख लीजिए, ठीक है ऐसा डिजाइन रहेगा। और इधर भी हमें एक जो है इसका इसका देखिए इसका जो वॉल वाइज यहाँ पर हमें जो स्टेयर ऐड करना है, यहाँ पर हमने सॉरी स्टेयर इसका जो विंडो ऐड करना है यहाँ पर हमने ऐड किया है, तो यहाँ पर भी हम विंडो ऐड करेंगे, और बाकी यहाँ पर विंडो हम अंदर से ऐड करेंगे। देखिए स्टेयर जहाँ पर रहेगा इसका विंडो हम अलग टाइप से ऐड करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो बाहर से जो लाइट और इसका जो एयर है बाहर से आप घर के अंदर आने के लिए या घर के अंदर से बाहर जाने के लिए जो चाहिए एज पर वास्तु के हिसाब से वही हमने यहाँ पर सेट किया है। तो चलिए हम 2D ड्राइंग यहाँ पर हमने शो कर दिया है, बाकी जो डिटेल्स आपको मिल गया है इसका जो कॉलम है हम यहाँ पर शो नहीं किया है। कॉलम आप कहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर कॉलम हमें चाहिए तो हम ऐसे ऐसे यहाँ पर जो हमने कलर ऐड करते हैं अभी, तो यहाँ पर हमें ऐसे कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कलर है इसका वाइज हम यहाँ पर सेट करेंगे कॉलम 10 बाई 10, 10 बाई 12। तो आपको डिस्टेंस वाइज यहाँ पर कॉलम ऐड करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। 11 बाई 13 में 10 बाई 10 भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे हम कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखिए ऐसे कॉलम ऐड करने के बाद आपको टोटल कितना कॉलम है यहाँ पर दिखाई देगा, और एक कॉलम यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर कॉलम हमें चाहिए, ठीक है। तो यही था प्लान डिजाइन, और इसका जो टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा बिल्डिंग प्लान और इस घर बनाने के लिए जो कॉस्टिंग है हम यहाँ पर कॉस्टिंग ऐड करेंगे। तो कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो इसके साथ हम 1800 इंटू करेंगे तो हमें 17,64,000 रुपीज मिल जाएगा खर्चा करने के लिए इस प्लान और इस घर बनाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। तो यही था प्लान और डिजाइन। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।